भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव चांग में कोरोना संक्रमण का मंगलवार को 10वां मरीज मिला है, तो वहीं अब तक संक्रमण से बचे रहे गांव खरकला में भी पहला संक्रमित मरीज मिला है। मंगलवार को गांव चांग खरकला कलिंगा से 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। चांग से 25 वर्षीय युवक है जो कि गुरुग्राम में फार्मा कंपनी में MR का काम करता है। खरकला से 30 वर्षीय युवक जो कि दिल्ली व गुरुग्राम में गाड़ी चलाता है, यह 16 जून को अपने घर आया था। कलिंगा से 62 वर्षीय महिला जिसके गले में तकलीफ होने के कारण सैंपल दिया गया था, जो कोरोना पॉजिटिव मिली है। इनके परिवार में करीब 15 दिन पहले किसी की मृत्यु हो गई थी, जिससे कई जगह से इनके परिचित इनके घर शोक जताने आए थे। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को मिले दोनों मरीजों के परिवार जो उनके संपर्क में आए 20 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए रोहतक PGI भिजवा दिए। तीन गांव में कौन से केस मिले हैं? एक तरफ गांव से कलिंगा गांव से चांग गांव से हमारे पास पॉजिटिव मिले हैं, भवानीखेड़ा हल्के से। टोटल हमारे पास आज 18 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें से मैक्सिमम हमारे भिवानी शहर BTM कॉलोनी एरिया से हैं। इन्हें कोविड वार्ड में आइसोलेट किया है या सर? इनको हम जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम सिविल हॉस्पिटल में, हमारा DCHC है उसमें शिफ्ट करते हैं। जो भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हमारा कोविड केयर सेंटर है लोहानी में, वहाँ शिफ्ट करते हैं। सर लगातार केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों से? बार बार यही अनुरोध करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, और जो भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतें हैं उनका पालन करें। इस चीज के लिए एक नई चलान की प्रक्रिया शुरू की गई है ग्राम पंचायत के जो हेड है उनके सहयोग के साथ, और ये एक नई प्रक्रिया चलान की शुरू की जाएगी, जिस जो भी बिना मास्क के पाया जाएगा उसको ₹500 का चलान भरना पड़ेगा अब आज के बाद। और ये चलान हमारी टीम सड़कों पे रहेगी आज से, और अगर कोई भी पाया जाता है बिना मास्क के और बिना जरूरी जो आवश्यक जो प्रिकॉशन है वो लिए बिना पाया जाता है तो उसको चलान भरना पड़ेगा ₹500 का।